गाइस मैं ना अभी ना कोल के स्कूल में जाऊंगी कोल के साथ। तो ना मैं हम लोग ना आपको दिखाएंगे कि उसका स्कूल कैसा है, ठीक है गाइस? और मैं भी जाऊंगी इसके साथ। इसका स्कूल पास में ही है। इसका स्कूल पास में ही है तो हमें ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। जितना मेरा दूर है ना, इससे का पास में ही है तो उसके भी दूर हो जाएगा एक स्कूल का। गाइस तो अभी ना हम लोग पहुंच गए हैं और इधर आओ बेटा। बहुत क्यूट है यहाँ पे। तो फिर तुम बोलना चाहोगे? नहीं। कैसे स्कूल तुम्हारा? अच्छा है। तो स्कूल तो आगे चलो स्कूल दिखाते हैं। देखो प्रेयर शुरू हो गई है। ये भी कोई स्कूल तो अच्छे देखो। चलो अपने स्कूल का नाम बताओ। इसके स्कूल का, अरे तेज से बोलो, तेज से बोलो अपने स्कूल का नाम। देखो पूरा स्कूल है। थोड़ा बुरा लग रहा है कि वो चली गई। अब मैं किसके साथ खेलूंगी? लेकिन मैं खुशबू को स्कूल जा रही है। अच्छे स्कूल में है वो। और देखो यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हैं। देखो बहुत बड़ा स्कूल है। जितना बड़ा मेरा था ना उतना जितना तो है। चलो पापा आगे बढ़ रहे हैं। देखो यार सच में बहुत अच्छा स्कूल है। जब मेरा एडमिशन, जब कॉल का एडमिशन लगा था ना, तो मेरा मन भी करता था कि मैं भी मतलब इसी स्कूल में पढ़ूं। बट इतना अच्छा स्कूल है ना ये। आई कांट इवन हैव वर्ड्स टू स्पीक। लिटरली बहुत अच्छा स्कूल है। देखो हमारी लाल बाइक कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। वहाँ पे अंकल ने आग जला रखी है। स्कूल का मेन गेट है। क्या आग जल रही पूरे मतलब वैन चैन है। वो जो रोप दिख रही है आप लोगों को, वहाँ से ना मतलब पहले वो अंदर आते हैं, मतलब बच्चे यहाँ पे रुकते हैं, फिर इधर उधर से निकाल लेते हैं। अभी ना कोयल को छोड़ के अब हम लोग ना मंदिर आ गए। मंदिर के दर्शन कराएंगे आपको। देखो पापा आगे आ गए। अरे रुका तो करो, हाथ धोने हैं। मैं नहीं धो रही है, नमो नमः। मेरे हाथ धुल गए, सही तो ठंड है। और वहाँ पे है मंदिर, एक मेरे को इनका नाम नहीं पता। जय बाबा जी। देखो ये ना पूरा ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। हमारे यहाँ की जितनी चीज़ें ना बड़ी है। चलो अब चलते हैं, पहले राम जी के दर्शन करेंगे। जय चलो बाबा। देखो कपड़े भी रखे हैं भगवानों के। और अब ये है राधा कृष्ण और ये छोटा सा पत्थर। अच्छा चलो आपको दर्शन कराते हैं। आप लोग पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, किसको दिखा रहे हैं? अरे मैं ना वीडियो बना रही हूँ। अब बताओ मतलब मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में बताओ कैसा मंदिर है? मंदिर में यही बताना है कि पहले यहाँ अखाड़ा था। अखाड़े में हनुमान जी रहते थे। वो हनुमान जी जो है आज जो है यहाँ स्थापित हो गए हैं। उनको यहाँ जो है स्थान दे दिया गया है। और यहाँ हमारी सबसे मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है गोवर्धन जी महाराज यहाँ भी स्थापित हैं, जो अभी तक दिल्ली में नहीं थे। अब जो है आपके खाटू श्याम धाम में स्थापना हो गई उनकी, और मूर्तियाँ आ गई हैं। लेकिन यहाँ जो है सबसे पहले जो है दिल्ली में गोवर्धन जी का जो है स्थान, और यहाँ जो है तमाम प्रकार की मूर्तियाँ, साईं बाबा हैं, परशुराम जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, बांके बिहारी हैं, ऐसे जो है दिव्य मूर्तियाँ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। माता दुर्गा जी हैं, गणपति जी महाराज जो है स्थापित हैं,
और राम दरबार है जो कि इस समय जो है हमारे राम दरबार में इस समय जो है दीपावली से लेकर के 22 तारीख तक जो है कंटिन्यू महाआरती होती है शाम को 7 बजे, इसमें बहुत भक्त जो है इकट्ठे होते हैं और महाप्रसाद की भी व्यवस्था रहती है ऐसे जो है। और साथ में नवग्रह का मंदिर भी हमारे यहाँ मौजूद है, जो भक्त यहाँ आना चाहें। और हमारे मंदिर में विशेषता एक चीज़ की है कि अभी इस वर्ष जो है 21 जनवरी से जो है राम कथा जो है राम जी के वहाँ राम में राम जी के अयोध्या आने के कारण जो है हम लोग जो है इस राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसके पश्चात जनवरी में हर जनवरी में हमारे यहाँ जो है 26 जनवरी के आसपास भागवत कथा होती थी, वो भी इसी के साथ जो है आगे जो है उसको बढ़ा करके 4 जनवरी तक जो है हमारे दोनों कार्यक्रम हैं, राम कथा और भागवत कथा। अच्छा, और ये मंदिर बना कब था, मतलब कौन सी? ये मंदिर हमारा जो है बना है 2003 में ये मंदिर जो है स्थापना की गई है और उसी वर्ष से कंटिन्यू जो है आज 20वां वर्ष है जो यहाँ कंटिन्यू भागवत कथा हो रही है। और जो है साथ में धीरे धीरे मंदिर का विकास हो रहा है। तो ये मंदिर ना मतलब अभी बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब 2003 में बना था और अच्छा भी कितना टाइम हो गया है। तो पूजा कर लीजिए। तो पहले गणेश जी पे तो गाइस देखो हम लोग घर पर आ गए और ये पापा ना पूजा पे लगे हैं। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और देखो मेरा फैला हुआ है, अब नहाने जा रही हूँ। मैं नहाने जा रही हूँ। और बुआ कहाँ है? बुआ ऊपर कमरे में है, सो रही है। जग रही हूँ, सो रही है, मुझे नहीं पता है। तो बिग बॉस कैसा था कल का?
बहुत बढ़िया बिग बॉस था, मजेदार था, लड़ाई आती बहुत लड़ाई आई थी। गैस आप लोगों को पसंद है बिग बॉस? जरूर बताना, दादी को तो बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। चलो देखते चाय बन गई कि नहीं। हमारी जो कॉकटेल है ना, पहले उसको क्या हो गया, पहले बहुत अच्छी थी, अब ना काटती है वो। देखते चाय बन गई कि नहीं। वो चाय बन गई है। और साथ में क्या बनना है? आलू बन रहे। क्यों फ्रेंड्स, मैंने आपको मंदिर दिखाया और अपनी छोटी बहन का स्कूल भी दिखाया और हाँ दादी बुआ से भी मिलवाया। तो अब ना मेरी छोटी बहन भी स्कूल से आ गई है, तो मैं उसे दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये भी स्कूल से अभी आई है। पता है इसका ना आज इंग्लिश का पेपर था और इसे इंग्लिश में कुछ नहीं आता, पता नहीं क्या कर कर आई है। अब वो तो नंबर ही बताएंगे। वो तो मैं झूठ बोल रही थी, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, प्रैंक कर रही थी वो तो मैं। अच्छा, सही आए थे। अगर मार्क्स एक मैंने नहीं लिखा था, अगर तेरे मार्क्स 10 में से नीचे आए तो तू बहुत पिटेगी, याद रखियो। मुझे कुछ याद होता ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे याद रखूं? गाइस, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर इसके 5 से नीचे 6 से नीचे नंबर आए ना, यानी कि 4, 3, 2, 1 या 5, तो मैं इसकी मार्कशीट आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। ये कुछ भी नहीं पढ़ती। और हाँ, इसे कमेंट में ही बोलना। तो गाइस, अभी ना मतलब हमें ना खाना खाना है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो रही है, तो मैं ना ये वीडियो को ना यहीं पे एंड करती हूँ। और हम आप लोग ना सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना और हाँ बेल आइकन भी दबाना। बाय।